Hello students, welcome to the online class of subject Auto Engineering Drawing for the branch Mechanical Engineering Automobile. So here pichle topic mein discuss hua tha limit fits and tolerance ke bare mein, uske schematic diagram bataya gaya tha, samjhaya gaya tha, types of fit kya tha aur basis of fit aur jo system hai whole basis system sab kuch wo samjhaya gaya tha. So next aate hain aaj नए कुछ टॉपिक पे जो कि है जैसे आईटी ग्रेड आज पढ़ाएंगे, डिफरेंट आईटी ग्रेड्स चार्ट दिखाएंगे और होल एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम चार्ट एंड उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं बेसिकली एक ही प्रॉब्लम आज दिखाया गया है तो दिखाएंगे आज. आईटी ग्रेड्स क्या होते हैं और बेसिकली क्या काम आते हैं. आईटी ग्रेड्स जो है देखिए आईटी ग्रेड ऑफ टॉलरेंस रेफर टू द इंटरनेशनल टॉलरेंस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस. दिस ग्रेड आइडेंटिफाइज व्हाट टॉलरेंसेस ए गिवन प्रोसेस कैन प्रोड्यूस फॉर ए गिवन डायमेंशन. जो आईटी ग्रेड होते हैं दैट इज इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड, वो क्या होते हैं, जो कुछ भी पार्ट मैन्युफैक्चर होते हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से मैन्युफैक्चर किया जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से मैन्युफैक्चर किया जाता है. तो जो जो कुछ भी मैन्युफैक्चर होता है वो प्रिसाइज फॉर्मेट में किया जाता है, मतलब जो वो फिक्स्ड है डायमेंशन उसका क्या होगा, होना चाहिए टॉलरेंस उसका कहना क्या होना चाहिए, मैक्सिमम अलाउंस मैक्सिमम लिमिट सब कुछ उसका फिक्स्ड है. तो दैट इज इंक्लूडेड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ आई टी ग्रेड, इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड. जो टॉलरेंस होते हैं कोई भी मैन्युफैक्चर पार्ट का वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है. तो उसमें आईएसओ इंडिया स्टैंडर्ड जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो जो है तो उसी में सब फिक्स किया गया है आईटी ग्रेड वगैरह सब कुछ. तो देखते हैं द स्पेसिफिक टॉलरेंस फॉर ए पर्टिकुलर आईटी ग्रेड इज कैलकुलेटेड वियर द फॉलोइंग फॉर्मूला. जो इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड है वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है. तो देखते हैं फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देख सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है. ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसकी फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, बाद में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएगा. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है टी, टी इज द टॉलरेंस इन माइक्रोमीटर्स, दैट इज माइक्रोन म्यू. तो माइक्रोमीटर में दिया होता है तो आपको वो कन्वर्ट करना होता है मिलीमीटर में, मिलीमीटर में कन्वर्ट करके ही रिजल्ट निकलता है. नेक्स्ट दिया है डी, ज्योमेट्रिक मीन डायमेंशन इन मिलीमीटर, दैट इज डी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ डी मैक्स इन टू डी मीन इन मिलीमीटर. तो मीन डायमेंशन क्या है कि यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई अगर दिया रहता है जैसे कि 50 H8 H7 एंड G6 जो प्रॉब्लम अभी सॉल्व करवाने वाले हैं आगे जाके, तो उसी का बात करते हैं. तो उसमें क्या होता है कि जो मिनिमम यहाँ पे 50 दिया हुआ है तो अप टू डाइ चार्ट होता है, ठीक है, आईएसओ का चार्ट है. तो चार्ट में वेरी करता है डायमेंशन, जैसे कि 30 to 50 50 to 80 80 to 120 ऐसे करके डायमेंशन सब वेरी किया जाता है. तो जो दिया रहता है उसी के ऊपर हम लेते हैं. जो अप टू डायमेंशन है, जो अपर का डायमेंशन है, जैसे 30 to 50 है तो 30 to 50 50 हम पकड़ेंगे, ठीक है. तो 50 डायमेंशन के ऊपर अलग अलग वैल्यू किसका, मतलब जैसे आई टी ग्रेड जो या फिर जो H7 तो 7 हो गया, आईटी ग्रेड 7, तो सबका जो वैल्यू होता है चार्ट के ऊपर दिया रहता है, ठीक है. तो जो देख के उसको सॉल्व करना होता है. तो मेन डायमेंशन हो गया, ठीक है, डी इसी से निकलते हैं. तो जैसे कि अभी बात की है 30 और 250 जो दिया रहता है, 30 to 50 जो दिया रहता है, ठीक है. तो यहाँ पे 30 लिखना है इनटू यहाँ पे 50 लिखना है, ठीक है. दोनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकलेगा, रूट ऑफ जो आंसर निकलेगा, ठीक है, उसको मिलीमीटर में पुट करना है, रिजल्ट निकालना है. नेक्स्ट देखते हैं आईटीजी. आईटीजी क्या है, आईटीजी क्या है, आईटीजी जो है आईटी ग्रेड ऑफ फॉर द गिवन, सॉरी फॉर द गिवन शाफ्ट एंड होल. जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात की कि 50 मानिए यहाँ पे 50 H
सेवन एंड जी सिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आईटी ग्रेड कौन किसका है, जैसे होल का आईटी ग्रेड सेवन हो गया एंड सात का आईटी ग्रेड ये सिक्स हो गया। हाँ, एच कैपिटल में दिया हुआ है, जी स्मॉल में दिया हुआ है, इसका भी एक कारण है सर, जो है कि जो होल होता है वो इंटरचेंजेबल नहीं होता, मतलब वो ज्यादा चेंज नहीं किया तो उसको कांस्टेंट रखा जाता है। तो बेसिकली हम लोग होल बेसिस सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, जिसमें होल कांस्टेंट रहता है, शाफ्ट को वेरी किया जाता है, शाफ्ट डायमीटर को वेरी करके उसको प्रॉपर फिट दिया जाता है, दिलवाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जी स्मॉल में लिखा हुआ, मतलब ये वेरिएबल है, ये चेंज है, चेंज होता रहता है, शाफ्ट को हम इजिली चेंज कर सकते हैं, दैट्स वाई वी यूज द लेटर स्मॉल लेटर फॉर द शाफ्ट और शाफ्ट टॉलरेंस जो भी, ठीक है। तो ये आईटी ग्रेड जो फॉर द गिवन शाफ्ट एंड होल, तो ये शाफ्ट होल के लिए एच सेवन, दैट इज आईटी सेवन, आईटी इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड ऑफ सेवन, होल के लिए शाफ्ट के लिए क्या है सिक्स, आईटी सिक्स, दैट इज इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड सिक्स। नेक्स्ट आते हैं, देयर आर टोटल 18 आईटी ग्रेड्स। क्या है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड है हमारा, जो भारत में जो बोले इंडियन स्टैंडर्ड, तो उसी उसमें क्या अंतर्भुक्त है, टोटल 18, कुल मिलाकर 18 आईटी ग्रेड, इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड मौजूद है, जो 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 है कि आपका पहले से रीड करते हैं, आईटी 01, आईटी 0, आईटी 1, आईटी 2, आईटी 3, आईटी 4, आईटी 5, आईटी 6, आईटी 7, आईटी 8, आईटी 9, आईटी 10, आईटी 11, आईटी 12, आईटी 13, आईटी 14, आईटी 15 अप टू आईटी 16। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे बीच में ये पहला वाला व्हाइट कलर है, फिर ग्रीन कलर, ये येलो कलर है, उसके बाद लास्ट थ्री ऑफ रेड इन रेड कलर। तो ये पहले से यहाँ पे कुछ कुछ दिया नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 7 आए, 10 आए, 16 आए, 25 आए, 40 आए, 64 आए, सब दिया हुआ है। इसमें दिया इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज मटेरियल के लिए, प्रिसन मटेरियल के लिए, प्रिसन मटेरियल क्या है, बहुत ही स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है। तो वो उतना मानिए टॉलरेंस उसका अगर किसी का 0.00001 होगा मिलीमीटर, तो कितना नेग्लिजिबल अमाउंट है, तो इसीलिए उसको नहीं पकड़ा जाता। तो इसी को ये सब जितना 1, 2, 3 अप टू 4 तक, वो 5 को भी पकड़ लेते हैं, 5 को भी इंक्लूड करके ही देखा जाता है कि आईटी 01 एंड आईटी 0, आईटी 1, आईटी 2, आईटी 3, आईटी 4 एंड आईटी 5, ये जितना भी 6 आईटी ग्रेड्स है, इस सबको नेग्लेक्ट करके ही बाकी जो आईटी ग्रेड्स है उसको लेके चलाया जाता है। तो आईटी 5 में जैसे लिखा हुआ 7i, दैट इज अ वैल्यू ऑफ ग्रेड्स, ठीक है। 7i, आई का वैल्यू हम देखेंगे कैसे निकालना होता है। तो ये एक चार्ट फॉलो किया जाता है जिसमें आईटी 5, आईटी 6 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे देख सकते हैं, जैसे आईटी कितना 50 डायमीटर था बताया था, 50 H7, तो उसके लिए आईटी 7 में कितना होगा, देखिए 30 to 50 है, तो अप टू 50 है, इसलिए ये नहीं होगा, 30 to 50 होगा। तो 50 में देखिए कौन सा वाला होगा, आईटी 6 में देखिए 16 है, और आईटी 7 जो है, मतलब होल के लिए आईटी 7 जो है वो आपका 25 है, और आईटी 6 जो सेट के लिए वो आपका 16 है, ठीक है, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ग्रीन कलर इसलिए दिया गया है कि अभी थोड़ी देर पहले बात की कि प्रिसाइज मटेरियल के लिए व्हाइट कलर जितना सब दिख रहा है यहाँ पे, वो प्रिसाइज मटेरियल के लिए, उसके आगे जो ग्रीन कलर का जो चार्ट इसमें दिखाया जा रहा है वो क्या है, ये जितना दिख रहा है यहाँ पे आईटी 5 लेके आईटी 8 तक, तो वो क्या है उसके आगे का मटेरियल, मतलब उससे थोड़ा बड़ा मटेरियल के लिए ये टॉलरेंस ग्रेड यूज किया जाता है। फिर आते हैं ये येलो कलर का, ये आपका उससे थोड़ा मॉडरेट मटेरियल आ गया, जिसमें आपका मैशनिंग वगैरह होगा, फिर होल बनाया जाएगा, बोरिंग किया जाएगा, ड्रिलिंग किया जाएगा, उसमें उस टाइप का मैशनिंग के लिए, उस टाइप ऑफ मैशनिंग मटेरियल के लिए ये ग्रेड फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं जो रेड कलर का दिया हुआ है, मतलब ये बहुत ही लार्ज अमाउंट, लार्ज मटेरियल के लिए है, जो जिसमें ये ग्रेड ऑफ टॉलरेंस फॉलो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, आई यहां पे जैसे आई दिया हुआ, इट इज रेफर्ड टू द इनिशियल फंडामेंटल अप्रोक्सीमेशन, एक अप्रोक्सीमेशन फंडामेंटल डेविएशन वैल्यू है, जो आई आई को हम पकड़ के चलते हैं आई, ठीक है। ये फंडामेंटल डेविएशन ऑफ दिस मटेरियल और शाफ्ट और होल, फॉर द शाफ्ट एंड होल,
ठीक है, फंडामेंटल डेविएशन है आई. दिस इज कैलकुलेटेड थ्रू दिस फॉर्मूला. क्या है, आई इज इक्वल टू 0.45 इंटू क्यूब रूट ऑफ डी प्लस 0.001 इंटू डी. तो डी क्या है बता दिया, डी आपका डी मैक्स इंटू डी मीन पकड़ के चलना होता है. जैसे अभी चार्ट में दिखाए कि जैसे डी मैक्स एंड मीन क्या है, ये 30 आपका डी मीन है, 50 इसका डी मैक्स है. तो 50 इंटू 30 जो हो गया, ठीक है, उसके बाद उसको रूट से निकालना होता है आंसर. देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिखाया गया, स्टैंडर्ड टॉलरेंस ग्रेड चार्ट, जिसमें ये जो दिख रहे हैं अबव एंड अप टू एंड इंक्लूडिंग बेसिक साइज ऑफ शाफ्ट एंड बेसिक साइज ऑफ होल बात कर रहे थे. बेसिक साइज ऑफ शाफ्ट एंड बेसिक साइज ऑफ होल जैसे कि दिया हुआ था कि 50H7 and G6. तो ये बेसिक साइज, ये 50 जो लिखा है 50, ये बेसिक साइज है, बेसिक साइज ऑफ शाफ्ट एंड बेसिक साइज ऑफ होल. तो ये चार्ट में जो दिखा रहा है देख सकते हैं कि अप टू 50 यहाँ पे जो रेंज होगा उसी को हमको लेके चलना होता है. जैसे 30 to 50 दिया हुआ है, ठीक है, 30 to 50 दिया हुआ है, तो उसी को हमको लेके चलना होता है. 30 to 50 क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 30 आपका फिर मिनिमम हो गया, ये 50 आपका अप टू वैल्यू हो गया, अप टू द बेसिक साइज वैल्यू. तो इसी को लेके हम चलेंगे, 50 को लेके ही हम चलेंगे. उसके ऊपर जो जो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस और टॉलरेंस वैल्यू दिया हुआ है उसी को लेके चलना होगा. ओके, नेक्स्ट आएंगे हाउ टू यूज इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड्स ऑन न्यूमेरिकल पर द गिवन प्रॉब्लम. जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिखा दी प्रॉब्लम का जो बात कर रहे थे उसी को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, 50H7G6. तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है देख लीजिए, 50 इज द बेसिक साइज फॉर द होल एंड शाफ्ट. फिर आते हैं H फंडामेंटल डेविएशन फॉर होल, जो H यहाँ पे दिखा रहा है फॉर होल. H अभी थोड़ी देर पहले बात किया, कैपिटल लेटर में होल को दिखाएंगे और स्मॉल में शाफ्ट को दिखाएंगे, इसलिए दिखाएंगे. फिर से बता देते हैं आपको कि जो कैपिटल लेटर में होल इसको दिखाएंगे कि होल क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल है, डिफिकल्ट होता है, इसीलिए होल को कॉन्स्टेंट रखा जाता है. एंड शाफ्ट क्या होता है, होल के लिए क्या होता है ना बेसिकली कि कोई ड्रिल बिट चूज करना पड़ता है, उसके बाद फिर बोरिंग टूल चूज करो. तो इस बहुत नंबर ऑफ प्रोसेस है. और शाफ्ट के लिए क्या है, एक्सटर्नल कोई भी शेप्स का कोई भी रॉ मटेरियल लो, उसके उसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या फिर भी टूल चला के आप शाफ्ट बना सकते हैं इजीली. लेकिन होल के लिए अलग अलग, ऐसा नहीं कि पूरा कंटिन्यूअसली ड्रिल साइज मिलता है, नहीं मिलता है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू में मिलता है. जैसे कि 6 mm का हो गया, फिर 8 mm का, 9 mm का नहीं मिलता है, 6 का हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसा जंप करके जाता है वैल्यू. इसीलिए होल क्रिएट करना ज्यादा पॉसिबल है, इसीलिए शाफ्ट के ऊपर ही ज्यादातर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, शाफ्ट को वेरी किया जाता है. तो होल बेसिस सिस्टम में ये किया जाता है. जी में क्या है, फंडामेंटल डेविएशन फॉर शाफ्ट. ठीक है, नेक्स्ट सात क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, H7 का 7 जो है डिफाइन क्या कर रहा है, इज द आईटी ग्रेड फॉर होल. एंड 6 क्या डिफाइन कर रहा है, आपका आईटी ग्रेड फॉर शाफ्ट. जो आईटी ग्रेड चार्ट है अभी दिखाए, आईटी सिक्स एंड आईटी सेवन. ठीक है, इसका जो चार्ट है डायमीटर हमको देखना पड़ेगा, 30 अप टू 50. मेरा IT6 में कितना वैल्यू है, 16 है, और IT7 में कितना है, 25 है. ठीक है, इसको देखना है, इसे मिला के चलना होता है. नेक्स्ट देखिए, जो अभी हम अभी कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर, तो D यहाँ पे दिया हुआ है, जो अभी बात किए थे कि D दैट इज अ मीन डायमेंशन और ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, ज्योमेट्रिकल मीन डायमेंशन वो क्या है, रूट ओवर ऑफ मैक्स डायमीटर और मीन डायमीटर इंटू मैक्स डायमीटर जो भी है. तो आउटपुट क्या निकला है, 38.72 mm. ठीक है, तो ये कैलकुलेट हर एक पॉइंट को कैलकुलेट करना होगा. जैसा आई का अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला था वो बात कर रहे थे, तो आई का फॉर्मूला से क्या निकला है ये देखिए, ये फॉर्मूला पुट किए हैं और जो वैल्यूज हैं, जैसे कि ये यहाँ पे डी था, क्यूब रूट ऑफ डी, तो मीन ज्योमेट्रिक मीन डायमेंशन क्या था, 38.72 जो निकला है उसको यहाँ पे पुट कर दिए. उसके बाद क्या रिजल्ट क्या निकला है, देखिए यहाँ पे रिजल्ट निकलेगा जो ना, आई का रिजल्ट क्या किसमें निकलेगा, माइक्रोन में निकलेगा, म्यू में. ठीक है, माइक्रोमीटर, दैट इज माइक्रोमीटर में फॉर्म में निकलेगा. ठीक है, उसको क्या करना है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, क्योंकि सब डायमेंशन आपका मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर में इसको लेके चलना है. नेक्स्ट आते हैं H, लोअर लिमिट ऑफ टॉलरेंस जोन फॉर होल इज जीरो. लोअर लिमिट ऑफ टॉलरेंस जोन फॉर होल इज जीरो. यहाँ पे एक चार्ट आपको दिखाएंगे जो यहाँ पे किस लिए यहाँ पे ये चीज लिखा गया है कि लोअर लिमिट ऑफ टॉलरेंस जोन फॉर होल इज जीरो.
लोअर लिमिट ऑफ टॉलरेंस जोन मतलब एच सेवन जो दिया हुआ है, ठीक है, ये एच ये टॉलरेंस जोन ये डिफाइन कर रहे हैं, और ये जी ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन डिफाइन कर रहे हैं। एच किस लिए? होल का टॉलरेंस जोन, और जी शाफ्ट का टॉलरेंस जोन। तो चार्ट एक दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए जो ये आपका ऊपर का जो ई आई कैपिटल में दिखा रहा है, ये आपका लोअर लिमिट ऑफ होल हो गया, ठीक है। ये आपका ई एस जो दिखा रहा है, ये अपर लिमिट ऑफ होल हो गया। ये यहाँ पे जो स्मॉल लेटर में जो ई एस दिखा रहा है, दैट इज अ लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, एंड ई आई जो दिखा रहा है, दैट इज अ अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो ये आपका एक ग्राफिकल इलस्ट्रेशन ऑफ टॉलरेंस जोन है, ठीक है। ये जीरो लाइन दिख रहा है, जीरो लाइन है आपका ये, ठीक है। ये होल के लिए है, ठीक है, और ये शाफ्ट के लिए। तो नीचे तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होगा, ऊपर तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर मतलब ये, ठीक है, ये आपका ये हो गया लोअर डेविएशन हो गया, ये अपर डेविएशन हो गया, ठीक है। तो डेविएशन क्या है, व्हाट इज डेविएशन, ठीक है। डेविएशन इज क्लोजेस्ट वैल्यू टू द जीरो लाइन और बेसिक साइज। जीरो लाइन और बेसिक साइज बोथ आर सेम। यहाँ पे बेसिक साइज और जीरो लाइन क्या है, 50 मिलीमीटर डायमीटर का है, तो ये जीरो लाइन में 50 मिलीमीटर होगा, ठीक है, 50 मिलीमीटर जीरो लाइन और बेसिक साइज में होगा। तो इस चीज का बात कर रहे थे, देखिए अभी माइक्रोमीटर में मैंने बोला कि इसको मिलीमीटर में निकालना। हाँ, लोअर लिमिट ऑफ टॉलरेंस जोन फॉर द होल। तो ये देखिए लोअर लिमिट ऑफ टॉलरेंस जोन फॉर द होल एच में दिया हुआ है। तो एच किस में देखिए लाइक किया हुआ है, देखिए एक मिनट, एच जो लाइक किया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए ये पूरा पूरा जीरो लाइन के ऊपर लाइक किया हुआ है, तो इसीलिए वो जीरो होगा, ठीक है। अगर ऊपर तरफ जाता तो फिर लोअर लिमिट कुछ दिया रहता, ठीक है, और उसमें निकल जाता, और ये मैक्सिमम मतलब अपर लिमिट हो गया। अगर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा यहां से ऐसे 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 बढ़ता गया, ये लोअर टू मतलब जीरो टू द मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगा, ठीक है। दिस इज टॉलरेंस जोन, ठीक है, ये टॉलरेंस फॉर द होल एंड टॉलरेंस फॉर द शाफ्ट। तो ये बेसिकली आपका एज दिया हुआ है, देखिए एज सेवन दिया हुआ है, तो एज आपका यहाँ पे एज सेवन दिया हुआ है, ठीक है। तो एज सेवन क्या होगा, इसका जो होल के लिए ये आपका लोअर लिमिट होगा जीरो, क्योंकि जीरो लाइन के ऊपर लाइक किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जी। तो जी का वैल्यू कैसे निकलना है, जी देखिए माइनस यहाँ पे फॉर्मूला जो पुट किया गया है, जी का जो अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट, ठीक है, ये लोअर जो आपका होल के लिए है डेविएशन, लोअर डेविएशन है, तो वो क्या है, लोअर डेविएशन आपका जीरो, मैंने अभी बताया लोअर डेविएशन जीरो होगा, ठीक है। ये जो लोअर डेविएशन देख रहे हैं जीरो में लाइक किया गया है, ये जीरो लाइन यहाँ पे दिखा जा रहा है, जीरो लाइन यहाँ पे दिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो होल के लिए लोअर डेविएशन है ये जीरो होगा, ठीक है, और शाफ्ट का जो होगा, शाफ्ट का फॉर्मूला है, ठीक है, जो अपर डेविएशन शाफ्ट का निकालना है, ठीक है, अपर डेविएशन, ये अपर डेविएशन, तो वो कैसे निकालना है, एक फॉर्मूला है जो चार्ट में दिया रहता है, वो भी आपको चार्ट के द्वारा ही मिलना है। अपर डिविजन कैसे निकालना है, शाफ्ट डेजिग्नेशन कौन सा है, तो आपका डेजिग्नेशन यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया हुआ है जी। तो जी दिया, जी के लिए क्या है, हमेशा माइनस इसलिए दिया रहता है वैल्यू, -2.5 डी टू दी पावर 0.34 इसलिए माइनस दिया रहता है। देख सकते हैं कि माइनस इसलिए दिया है कि लोअर लिमिट पे, देखिए ये जी जो है, ठीक है, एज क्या है, शाफ्ट के लिए भी सेम है, बोथ आर सेम, शाफ्ट के लिए भी सेम है और होल के लिए भी सेम है, ठीक है, एज, लेकिन शाफ्ट के लिए आपका जी दिया हुआ है, तो जी माइनस इसलिए है क्योंकि ये जीरो लाइन से नीचे है, इसलिए इसको जो वैल्यू है हमेशा मतलब बाय डिफॉल्ट माइनस ही रहता है, चार्ट में बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए -2.5 डी टू द पावर 0.34, तो -8.66 आ रहा है माइक्रोन, उसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, -0.00866 अप्रोक्स वैल्यू लिख रहे हैं, -0.009 दैट इज इन मिलीमीटर एंड दैट इज द अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, IT7 जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, देखिए 7, ठीक है, और ये आपका IT6 और IT7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे IT7 पहले होल के लिए क्रिएट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे क्या है IT7 का जो चार्ट है, ठीक है, IT7 का जो चार्ट है देख सकते हैं, ठीक है, तो ये 16 I दिया रहता है IT7 में, एक्चुअली
16i होता है, IT7 का जो वैल्यू होता है, जैसे पहले हम देख लीजिए, पहले IT7 जो यहां पे दिखा रहा है, देखिए 16i, इसका वैल्यू क्या है 16i, ठीक है। तो 16 into i का जो वैल्यू निकाले थे वो देख सकते हैं, i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू यहाँ पे 0.00156, इसको बाद में हम 0.016 पकड़ लेते हैं अप्रोक्स वैल्यू, ठीक है, एक राउंड में ले आते हैं, इतना बड़ा फ्रैक्शन है इसलिए इसको राउंड में ले आते हैं। तो देख सकते हैं कि उसके बाद जो IT7 में क्या निकला है रिजल्ट, 0.02496 मिलीमीटर निकल गया, ठीक है। उसको अप्रोक्स करके क्या कर रहे हैं हम, 0.025 मिलीमीटर कर रहे हैं अप्रोक्स, ठीक है। इतना बड़ा लिखने से क्या है, अप्रोक्स वैल्यू एक पकड़ ले रहे हैं, जिसको 2 के बाद जितना वैल्यू आ रहा है उसको 5 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ये हो गया आपका होल टॉलरेंस, ठीक है, होल टॉलरेंस हो गए। IT6 कैलकुलेट करेंगे, IT6 के लिए क्या है देख सकते हैं, IT6 के लिए यहाँ पे 10i है, जैसे कि IT7 में था वैसे ही IT6 में 10i है। तो 10i के लिए कैलकुलेट करेंगे, 10 into i का जो वैल्यू है वही सेम टू सेम रहेगा, अप्रोक्स वैल्यू कर देंगे, इसके बाद जो निकल रहा है वैल्यू, ठीक है, 0.016 कर देंगे, ठीक है, साक टॉलरेंस हो गया। तो होल बेसिक साइज क्या है, होल का बेसिक साइज 50 मिलीमीटर है, होल का लोअर लिमिट क्या हो गया 0 मिलीमीटर, होल का लोअर लिमिट क्या हो गया 0 मिलीमीटर। अभी बात किया थोड़ी देर पहले जो, क्योंकि एच एक पूरा पूरी जीरो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसीलिए उसको लोअर लिमिट ऑफ होल हो जाएगा 0। अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट देखिए IT7 में अभी कैलकुलेट किया होल टॉलरेंस, तो होल का जो अपर लिमिट होगा, ठीक है, आप होल का जो अपर लोअर लिमिट का 0 है, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, होल टॉलरेंस क्या हो जाएगा 0.025, ये होल टॉलरेंस हो गया, तो अपर लिमिट हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं साफ्ट हायर लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, इसे याद रखना है, ये जितना सब हम बोलते जा रहे हैं या फिर जितना चार्ट में दिखाया जा रहा है, अगर चार्ट दिया जाता है एग्जाम में तो बेहतर है, यूज करने के लिए बोला जाता है तो बेहतर है, नहीं है तो देखिए याद रखना होता है, ठीक है, अगर नहीं दिया जाता तो। साफ्ट हायर लिमिट क्या है, बेसिक साइज माइनस फंडामेंटल डेविएशन। बेसिक साइज क्या है सेफ्ट के लिए 50 मिलीमीटर, सबको पता है कि होल एंड सेफ्ट के लिए बेसिक साइज 50 मिलीमीटर है, एंड फंडामेंटल डेविएशन क्या है 0.009 साफ का फंडामेंटल डेविएशन। देखिए तो अभी कैलकुलेट किया थोड़ी देर पहले, ठीक है, अपर डेविएशन और फंडामेंटल डेविएशन जो है आपका सेफ्ट के लिए 0.009 मिलीमीटर है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के बाद कितना निकल रहा है आपका हायर लिमिट सेफ्ट 49.991 मिलीमीटर है। लोअर लिमिट ऑफ सेफ्ट क्या है, हायर लिमिट माइनस टॉलरेंस, हायर लिमिट क्या है इसका 49.991 माइनस टॉलरेंस क्या है साफ के लिए 0.016 मिलीमीटर, तो फिर क्या निकल रहा है 49.975। नेक्स्ट देखिए होल लोअर लिमिट इज इक्वल टू बेसिक साइज, वैसे पता है होल लोअर लिमिट जो ही बात की है कि उसका एच में जीरो लाइन में लाई कर रहा है एच, इसीलिए उसका बेसिक साइज क्या होगा 50 मिलीमीटर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। हायर लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस टॉलरेंस, लोअर लिमिट जो है, ठीक है, लोअर लिमिट आप देख रहे हैं यहाँ पे लोअर लिमिट 50 ऑलरेडी बताया गया है, ठीक है, ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट 50 है, 50 प्लस टॉलरेंस क्या है 0.025 टॉलरेंस है, तो 0.025 होल टॉलरेंस जो अभी कैलकुलेट किए थोड़ी देर पहले 16i का जो वैल्यू निकाले हैं वही आपका होल टॉलरेंस हो गया, उसको यहाँ पे पुट करेंगे टॉलरेंस के वैल्यू हिसाब से, तो 50 plus 0.025 = 50.025 मिलीमीटर मैक्स क्लियरेंस क्या हो गया। उसके बाद जो फाइनलाइज फाइनल में क्रिएट करेंगे मैक्स क्लियरेंस, ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हाई लिमिट ऑफ होल माइनस लो लिमिट ऑफ साफ, तो हाई लिमिट ऑफ होल क्या है, हाई लिमिट ऑफ होल यहाँ पे देख सकते हैं 50.025 माइनस 49.975 ऑफ लो लिमिट ऑफ साफ, दैट इज द लो लिमिट ऑफ साफ, ठीक है। तो उसको जो मैक्सिमम क्लियरेंस क्या निकल गया 0.05 मिलीमीटर, मिनिमम क्लियरेंस क्या है लो लिमिट ऑफ होल, जो लो लिमिट ऑफ होल दैट इज अ 50 मिलीमीटर एंड हाई लिमिट ऑफ साफ दैट इज 49.991 मिलीमीटर, तो मिनिमम क्लियरेंस क्या हो जाएगा 0.009। ये जो आप देख सकते हैं आपका ये जो कैलकुलेशन या फिर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया था, ये बेसिकली इसमें जो आ रहा है कि जो फीड हमको मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि फीड भी कैलकुलेट करना होता है, इंटरफेरेंस हो चाहे बेसिकली इंटरफेरेंस एंड क्लियरेंस फीड बोथ कैलकुलेट करना होता है कि कौन सा फीड आ रहा है इस कैलकुलेशन के बाद, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद। यहाँ पे जो फीड अचीव हो रहा है वो है क्लियरेंस फीड, पता यहीं से चल जा रहा है, इसीलिए चल रहा है कि जो
लोअर लिमिट, देखिए जो लोअर अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट है वो लोअर लिमिट ऑफ होल से छोटा है, मतलब कम है वैल्यू। अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट कितना है, अपर लिमिट ऑफ मतलब हायर लिमिट ऑफ सॉरी लोअर लिमिट ऑफ अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट कितना है, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट देखिए और हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट देखिए 49.991 मिलीमीटर है, ठीक है 49.991 मिलीमीटर है हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट, और लोअर लिमिट ऑफ होल कितना है आपका 50 है, तो 50 मिलीमीटर से कम है अपर हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो शाफ्ट मतलब जो जगह बन रहा है, ठीक है ये जो आप जो क्लियरेंस हो रहा है यहाँ इस बीच में जो क्लियरेंस हो रहा है, ठीक है इस बीच में जो क्लियरेंस हो रहा है वो एक क्लियरेंस गैप क्रिएट हो रहा है, वैल्यू निकल रहा है, ठीक है तो उसी के कारण ये जो फिट अचीव होता है वो क्लियरेंस फिट अचीव होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें जितना सब डायग्राम से समझा दिया गया है और जितना सब वैल्यू यहाँ पे हम लिए हैं सब कुछ जो चार्ट में प्रोवाइड होता है, जो चार्ट दिया रहता है उसी के अंदर वो सैप डेजिग्नेशन जी का वैल्यू जैसे मिला हमको यहाँ से, फिर नेक्स्ट आपको जो आईटी ग्रेड का वैल्यू यहाँ से मिला, रेंचेस ऑफ जो डायमीटर ऑफ द जो साइजेस है जो मेन डायमीटर डायमेंशन ज्योमेट्रिक मेन डायमेंशन 50 दिया गया था उसका रेंज कैसा मिला जैसे 30 और ये 50 दोनों, ठीक है उसके बाद जो कैलकुलेट हुआ फिर वैल्यू निकला सीए वाला इसका बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं जैसे एच का हम कैसे पता चला कि नहीं एच मेरा एच जीरो होगा, H7 जो लोअर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ होल क्या होगा एच इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है इज इक्वल टू जीरो होगा। तो इसी इस सब चार्ट की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें याद रखना होता है, ठीक है तो उसी के ऊपर ये सब ठीक से जितना हो सके हम समझा दिए आप लोग बस देख लीजिएगा, ठीक है ओवरव्यू आप नेट के जरिए भी देख सकते हैं, कोई भी दूसरा कोई वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये बस ये आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाने जाएंगे वो आपका रहेगा इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ सिस्टम, एंड फिर आएगा रफनेस वैल्यू, रफनेस एंड डायरेक्शन ऑफ ले और सिंबल्स, रफनेस सिंबल्स रहेगा ये एक साथ पढ़ा देंगे लास्ट खत्म ये चैप्टर फिर खत्म कर देंगे, और ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस रफनेस ग्रेड एंड सिंबल, उसके बाद आपका ये इंटरचेंजेबिलिटी क्या है, ये तीनों टॉपिक क्या है ये सब पढ़ाएंगे, उसके बाद कंप्लीट कर देंगे ये लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट फिर जो प्रीवियस चैप्टर बाकी रह गया था रिबेट्स वगैरह या फिर आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रिबेट्स मेन चैप्टर उसको इसके बाद रिबेट्स को पकड़ेंगे, तो ये सब कवर करेंगे, ठीक है। तो ओके थैंक यू फॉर द डे, ठीक से देखिए वीडियो को, घर में रहिए सेफ रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए और ऑनलाइन क्लास करते रहिए घर में रहते हुए, ठीक है थैंक यू वेरी मच।